सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट 125 सीसी बाइक्स के बारे में, 200 सीसी बाइक्स या फिर 160 या फिर 150 सीसी के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा बात की है हमने, लेकिन आज बात करेंगे 125 सीसी बाइक्स के बारे में। इससे नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में 100 सीसी बाइक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो यहाँ पे जो है हर सेगमेंट की बाइक्स के बारे में बात करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी। सो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट बाइक के बारे में, जो कि हमारे पास आती है होंडा की तरफ से, होंडा शाइन एसपी 125, जो कि आपको भी पता है यार 125 सीसी में जो है एक किंग बन चुकी है बाइक। बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, प्राइसिंग भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है इस बाइक की, लेकिन जो प्राइसिंग है उसमें जो है काफ़ी अच्छे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, फिर पावर वगैरह या फिर हर चीज़ आपको अच्छी खासी मिल जाती है इस बाइक में। गाइस यहाँ पे आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। ग्राफिक्स वगैरह कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिए हैं होंडा ने इस अपडेट में। एंड यहाँ पे 10.1 BHP का आपको पावर मिल जाती है, 10.13 न्यूटन मीटर तक का आपको टॉर्क मिल जाता है, 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है, 45 से 50 तक की माइलेज मिल जाती है। इससे ऊपर भी आपको हाईवे वगैरह पे मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है मैं वो बता रहा हूँ जो आपको मिनिमम मिल सकती है। सो गाइस बात करूँ यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड, तो यहाँ पे जो आपको हाई स्पीड मिल सकती है इसकी 110 प्लस तक, उससे ऊपर भी शायद आपको मिल जाए, हाईएस्ट जा सकती है 115 तक, उससे ऊपर मैंने तो देखी नहीं है। बाकी आप बताने कितनी स्पीड इसकी जा सकती है। गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाए जो कि ऑप्शनल है, आप ड्रम वाला भी ले सकते हो, बाकी रियर में तो आपको ड्रम वाला मिलना ही है। बाकी गाइस इसमें जो है आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाती है जिसमें आपको गियर इंडिकेटर वगैरह, माइलेज वगैरह, बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट में शायद ही कोई बाइक आपको ऑफर करती होंगी इतनी कुछ डिटेल्स वगैरह। सो ये जो है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है होंडा की तरफ से, यहाँ पे फर्स्ट ऐसी बाइक है जो सेगमेंट में काफ़ी अच्छे फीचर्स लेके आती है एंड प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। गाइस यहाँ पे आपको साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि होंडा अपने हर एक प्रोडक्ट में देता आ रहा है। अभी BS6 अपडेट जो भी आ रहे, जिस भी बाइक या स्कूटर में आ रहे हैं, उन सब में अपडेट दे रहा है। सो गाइस फ्रंट में आपको टेलीस्कोपी एंड रियर में आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाती है इस बाइक में। सो गाइस ये जो है काफ़ी अच्छी बाइक है, यदि आप डेली कम्यूट वगैरह करना चाहते हो, एक आपको स्टाइलिश लुक चाहिए, आपको अच्छी खासी मतलब जो है एक बाइक चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। सो चलिए गाइस बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक हमारे पास आती है बजाज की तरफ से, पल्सर 125 BS6। इसमें जो आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जिसकी एक्सशोरूम प्राइस 73,000, ऑन रोड जाती है 85 के लगभग। सो बाकी गाइस इसमें जो आपको मस्कुलर टैंक मिल जाता है, मस्कुलर बॉडी मिल जाती है, आपको जो है एक स्पोर्टी फील आएगी इस बाइक पे आज यदि आप राइड करते हो कंपेयरिंग टू शाइन वगैरह। तो यहाँ पे इस बाइक को यदि आप राइड करते हो तो थोड़ी सी आपको स्पोर्टी फील आएगी। बाकी इसमें आपको 124 सीसी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, 12 BHP की पावर मिल जाती है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है शाइन एसपी से। एंड यहाँ पे जो है 11 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है, 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है, काफ़ी स्मूथ इंजन है इसका। जब से इसका BS6 अपडेट आया उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा जो है एक स्मूथ इंजन इसका हो गया है। एंड यहाँ पे गाइस ये 50 तक की माइलेज आपको इजीली दे देगी, हाईवे पे आपको 55 तक की भी दे देगी। बिकॉज इसका जो हमने माइलेज टेस्ट किया, माइलेज टेस्ट की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी जो है टॉप स्पीड की थी हमने, टॉप स्पीड की वीडियो जो है आपको नीचे मिल जाएगी, 120 तक इसकी टॉप स्पीड भी जाती है। एंड फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा एक ब्रेकिंग सिस्टम है इस बाइक में। यहाँ पे आपको 11.5 लीटर का मस्कुलर टैंक देखने को मिल जाता है, जिसपे आपको जो बैचिंग वगैरह है पल्सर की जो काफ़ी अच्छी लगती है ब्लू कलर में, जो ब्लू कलर इसका ब्लू एंड ग्रे वो काफ़ी अच्छा कलर लगता है मेरे को। एंड यहाँ पे जो इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, 140 kg का वेट मिल जाता है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो मीटर कंसोल इसके अंदर मिलता है शायद इस सेगमेंट में किसी और बाइक में मिलता हो, जिसमें आपको RPM मीटर भी मिले, RPM मीटर भी उसी के साथ साथ आपको मतलब डिजिटली जो है स्पीडोमीटर वगैरह मिलता है। सो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक प्रीमियम फील आती है उसको देख के। सो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जाए, जो आपको पल्सर 150 वगैरह 220 वगैरह में जो मिलता है वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस यदि आपको पावर चाहिए, एक मस्कुलर बॉडी मतलब मस्कुलर लुक चाहिए एक बाइक का, सो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यंगस्टर्स के लिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा, आप इसको ले सकते हो। बाकी बात करें लास्ट बाइक के बारे में, सो गाइस लास्ट बाइक हमारे पास आती है हीरो की ग्लैमर 125 BS6, जो कि आपको अच्छी खासी माइलेज दे देती है अपने सेगमेंट में। यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 63,000 से, मतलब वही प्राइसिंग है लगभग तो शाइन एसपी की, लेकिन शाइन एसपी की मतलब 2-3 हज़ार महंगी पड़ेगी आपको शाइन एसपी। लेकिन यहाँ पे जो है ग्लैमर की जो प्राइसिंग है वो ऑन रोड जाती है 75,000 तक। सो आप इस बाइक के लिए भी जा सकते हो यदि आपको चाहिए एक डेली कम्यूटर बाइक, अच्छी खासी माइलेज चाहिए। एंड यहाँ पे यदि आप हीरो के फैन हो तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक FI BS6 एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, 10.8 BHP की पावर, 10.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। एंड यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स, उसी के साथ साथ 50 से 55 तक की माइलेज मिल जाती है। बाकी कंपनी तो और भी ज़्यादा क्लेम करती है बट उतनी आपको नहीं मिलती है। गाइस यहाँ पे आपको 110 प्लस तक की हाई स्पीड मिल जाएगी, फ्रंट में डिस्क
जो कि ऑप्शनल है, आप ड्रम वाला वेरिएंट भी ले सकते हो, बाकी रियर में तो आपको ड्रम ही मिलने वाला है। बाकी गाइज इसमें जो है आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाए जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। एंड गाइज यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, उसी के साथ साथ स्टाइलिश अलॉयज वगैरह मिल जाए जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगते हैं। ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, I3S टेक्नोलॉजी मिल जाए जो कि हीरो की हर एक बाइक में आपको देखने को मिली जाती है। एंड यहाँ पे भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोप एंड रियर में स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। गाइज यहाँ पे आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है, एक मतलब इस सेगमेंट में जो है 10 लीटर काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज माइलेज भी ये बाइक्स काफ़ी ज़्यादा दे देती है। तो गाइज इसमें जो है आपको सेल्फ एंड किक दोनों मिल जाती है, जितनी भी मैंने बाइक्स बताई है सभी में आपको सेल्फ एंड किक मिल जाती है। उसी के साथ साथ तीनों ही बाइक्स में आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, तीनों ही बाइक्स में आपको FI मिल जाता है। सो गाइज यहाँ पे यदि मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊँ कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, सो यहाँ पे SP125 को मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा जिनको चाहिए एक प्रीमियम फील, मतलब पावर, ज़्यादा पावर वगैरह की ज़रूरत नहीं है उन्हें, डेली कम्यूट करनी है 15 से 20 किलोमीटर या फिर 30 से 40 किलोमीटर तक भी आप हाईएस्ट ले सकते हो, सो वहाँ पे आप जा सकते हो SP125 बिकॉज डेली कम्यूटिंग के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है, माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, और पावर वगैरह भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। यदि किसी को चाहिए ओनली पावर और स्पोर्टी फील चाहिए सो आप जा सकते हो Pulsar 125। यदि आप पल्सर के दीवाने हो, पल्सर के फैन हो, सो आप Pulsar 125 की तरफ जा सकते हो। सो बाकी गाइस ग्लैमर के लिए भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी माइलेज मिल जाती है। बाकी गाइस कोई भी आपके डाउट्स हो इंस्टा पे DM कर देना, MRD व्लॉग्स नाम से मेरी ID, वहाँ पे जो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।